हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम और हमारा हिमाचल, और आज है वेनसडे और अभी सुबह के हो रहे हैं 6:45 बजे और अभी मेरी चाय जो वो तैयार है और हम जा रहे हैं छत पर। और ये देखिए सुबह के टाइम में ना चांद कैसा लग रहा है, बादलों में छिप गया है, पर ये देखिए, ये देखिए छत पर से ना मक्की के खेत दिख रहे हैं और मक्की ना अभी तैयार ही होने वाली है, पक्कर नहीं, मतलब जो खाते हैं ना भुट्टा, वो अब होने वाला है 5-6 दिन में। हम लोग छल्ली बोलते हैं उसको, तो मक्की को हम लोग छल्ली बोलते हैं। तो अभी ये 5-6 दिन में ना तैयार हो जाएगी खाने के लिए, चूल्हे में बुन के खाने के लिए। चूल्हे की बुनी अच्छी लगती है, गैस की बुनी अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए ये सारे मक्की के ही खेत हैं, आगे पीछे सारे, बीच में लोगों के मकान हैं। और ये देखिए आज ना सारस घूम रहे हैं, ये सारस पक्षी होता है, वाइट कलर का होता है बड़ा सा पक्षी, ये बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं आज। और ये हस्बैंड जो है ना मेरे, वो कर रहे हैं योगा छत पर, और मैं भी साथ में चाय पी रही हूँ, साथ में बैठ के यहाँ पर चाय पी रहे थे हम लोग और ये योगा कर रहे थे। और ये देखिए एक सारस ये आया यहाँ से, ये देखिए, बोलते हैं ना बड़े लोग बोलते थे, जब पहले हम छोटे थे सुना था कि सारस जिस दिन बोलते हैं उस दिन बारिश होती है, जिस दिन आसमान में सारस बोलते हैं ना, चिल्ला रहे हैं सारस अभी, तो बारिश होती है। तो बारिश हुए ना 6-7 दिन हो गए हमारे यहाँ, तो आज देखते हैं कि सच है ये बात कि नहीं है। शाम को जब मैं वीडियो की एंडिंग करूँगी तो बताऊँगी आप लोगों को कि बारिश हुई है या नहीं हुई है। तो आज इस बात को भी हम देख लेंगे कि बड़े लोगों ने सच बोला है कि झूठ। वैसे तो वो लोग मतलब उनकी कई भी बातें सच्ची होती हैं, उन लोगों ने मतलब जांच के परख के सारी बातें बताई होती हैं। और उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ, अभी झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाने के बाद सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाऊंगी मैं, तो अभी मैं लगा रही हूँ, किचन का झाड़ू हो गया, अभी मैं रूम अपने रूम में आ गई हूँ। और बीच में ना फिर दूध आ गया था, तो मैं दूध पलटने के लिए आ गई थी पतीले में, और इसको अभी मैं इंडक्शन के ऊपर रख दूँगी गर्म करने के लिए, धीमी आँच में ये पकता रहेगा और मैं झाड़ू लगाती रहूँगी। और अभी आ गई हूँ मैं फिर से रूम की सफाई करने के लिए, दूसरे यहाँ पर नहीं बेटा सोया मेरा, तो मैं इसी को बोल रही थी कि उठ जा, क्लास भी लगानी होती है, ऑनलाइन क्लास लगती है इसकी, तो वो भी लगानी होती है, तो इसलिए बोल रही थी कि नहा धो के ब्रेकफास्ट करके फिर क्लास लगा ले अपनी। और इसके साथ अभी फिर मैं दूसरे रूम में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। इस रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर इसके बाद मैं बरामदे में लगा रही थी झाड़ू, और आंगन में लगाऊंगी इसके बाद। देखिए अभी मैं आंगन में लगा रही हूँ और इसके बाद मैं लगाऊंगी अभी पोछा। तो ये पोछा लगाने से पहले ना ये सेल्फ वगैरह जो चाय बनाते टाइम या कुछ मतलब कुछ भी गिर जाता है, कोई चीनी के दाने गिरे हैं, छिट्टे लगे हैं, चाय के लगे हैं, पानी के लगे हैं, तो फिर वो सेल्फ़ ना साफ़ करनी पड़ती, तो इसलिए पोछा लगाने से पहले मैं सेल्फ़ और वाश बेसिन वगैरह साफ़ कर रही हूँ अभी, इसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी सारे घर में, फिर नहाऊँगी, नहाने के बाद फिर ब्रेकफास्ट बनेगा। तो ये भी लगा रही हूँ मैं पोछा, देखिए तो अभी झाड़ू पोछा करने के बाद मैं थोड़ी सी ब्रेक ले रही हूँ और साथ में आलू भी छील रही हूँ, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में मैं आलू रोटी और करेले की सब्जी बनाऊँगी, तो इसीलिए अभी छील के फिर नहाने के बाद फिर ब्रेकफास्ट बना लूँगी। और अभी पी रहे हैं हम चाय दूध, जो भी पीना है जिसको वो पी रहे हैं हम। ये देखिए आलू मैंने काट के रख दिए और अभी नहाने चली गई हूँ मैं,
तो अभी नहाने के बाद आ गई हूँ मैं और किचन में, और अभी बनाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट। देखिए अभी आलू बना लूँगी और साथ में ये रोटी और करेले। ये देखिए आलू जो बनकर तैयार हो गए हैं, और अभी रोटी बनाऊँगी और करेला तो मेरे बन गए हैं, क्योंकि करेले रोज़ ही बन जाते हैं पति देव के लिए, शुगर इनको तो बनाने पड़ते हैं। और ये आटा भी लगा लिया मैंने, और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने कपड़े धो लिए थे, और अभी ये देखिए मैं छत पर कपड़े सुखाने आ गई हूँ। ऊपर देखिए आसमान में बादल हैं, धूप ही लगी है और बादल भी बहुत हैं, तो देखते हैं फिर शाम तक क्या क्या होता है, बरसते हैं बादल कि नहीं बरसते हैं। और ये देखिए डाल दिए मैंने सारे कपड़े सूखने, और उसके ये देखिए सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिया। मैं किचन में लंच बनाऊंगी, पर उससे पहले ये मैं सोचते चलो तुलसी के बीज जो है ना ये पक गए हैं, तो इनको तोड़ लिया मैंने। वैसे तो इनको बोलते हैं कि जब तुलसी की शादी हो जाती है उसके बाद तोड़ते हैं, पर अब पक गए हैं तो वहाँ तब तक नहीं रुक सकते ना, क्योंकि ये उड़ जाएंगे और तब फिर कुछ भी नहीं मिलेगा हमारे को, इसलिए अभी तोड़ लिए मैंने। शादी तो जाके नवंबर में होनी है, तब तक तो कुछ भी नहीं होगा, तो देखेंगे फिर, तो फिर अगले साल ना बीजने के लिए बीज नहीं मिलते हैं अगर नहीं संभालेंगे अभी तो। और ये देखिए मैंने अभी ग्रेवी बना ली, मसाला बना लिया, अभी इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। आज मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, तो मैंने ऐसे ही ग्रेवी बना ली थी इसके लिए भी, क्योंकि प्याज फिर मेरा बेटा खाता नहीं है, तो इसमें प्याज जो है वो ग्राइंड हो जाता है, तो फिर ऐसे बना लेती हूँ। अभी मैंने तेल डाल दिया कुकर में, और इसमें जीरा और मेथी दाना डाल के अभी मैं इसमें ग्रेवी डाल दूँगी, जो मसाला बनाए थे ना वही ग्रेवी ग्राइंड कर लूँगी वही, और वही डाल दूँगी। तो ये देखिए ये डाल रही हूँ मैं ग्रेवी, इससे अच्छा हो जाता है ना सब्ज़ी जो है ना, वो थिक लगती है, ऐसे पतली पतली सी नहीं लगती है, थिक। ये देखिए अभी पक रही है मेरी, और मैं डाल रही हूँ हल्दी नमक और मिर्ची, मसाला तो बाद में डालूँगी। ये मेरी ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार हो रही है, पककर तैयार हो रही है, मतलब पक रही है, और इसके बाद जब ये पक जाएगी तो मैं इसमें डालूँगी आलू। और अभी ना मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया था इसमें, दही वाले आलू बनाऊँगी मैं। तो अभी ये पक गए हैं, तो अभी ये देखिए ये मैंने डाल दिए अभी आलू, क्योंकि जो ग्रेवी थी वो मेरी पक गई थी, तो अभी मैं आलू डाल दिए, पानी डाल के ना फिर रख दूँगी पकने के लिए, ढक्कन लगा दूंगी कुकर का, पकने के लिए रख दूंगी मैं। तो ये देखिए अभी लगा दिया मैंने पानी, पानी लगाने के बाद फिर मैं अभी ढक्कन लगा दूंगी, और इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी चपाती। देखिए अभी लगा दिया मैंने ढक्कन, और अभी एक दो सीटी आने के बाद, आलू तो जल्दी गल जाते हैं, एक सीटी के बाद बंद कर दूंगी मैं। और अभी साथ में ये देखिए चावल जो वो भी तैयार हो गए हैं, मतलब उबल गए हैं, अभी इनका पानी निकालना है, जिसको मांड मांड बोलते हैं, और हम लोग बोलते हैं लुगड़ी, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लुगड़ी बोलते हैं इसको, जो चावल से पानी निकलता है ना उबला हुआ उसको लुगड़ी बोलते हैं। तो अभी इस लुगड़ी को मैं निकाल लूँगी, और फिर चावल पकने के लिए रख दूँगी। और ये देखिए अभी निकाल लिया मैंने पानी, और चावल अभी पकेंगे, धीरे धीरे पकते रहेंगे अब कम आंच पर, और इसके साथ अभी मैं बनाऊंगी चपाती। अरे देखिए चपाती मेरी बन रही है, वो चपाती बनाने के बाद ना हम लोगों ने कर लिया था फिर लंच, लंच हो गया था हम लोगों का, देखिए
चपाती कम ही बनती है क्योंकि मैं नहीं खा, कोई भी नहीं खाता चपाती दिन में, पति देव भी खाते हैं क्योंकि उनको चावल नहीं खाते वो, तो फिर वही खाते हैं। तो थोड़ी सी चपाती, दो चार चपाती, पाँच छः चपाती बनाती हूँ। और ये देखिए सब्जी तैयार है मेरी, और ये चावल भी तैयार हैं और चपाती भी तैयार है। तो अब करेंगे हम लोग लंच, क्योंकि गर्म गर्म ही खा लेना चाहिए। बोलते हैं ना कि 40 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए खाना, पकने के बाद 40 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। तो अभी हम करेंगे, अभी देखिए ना ट्रेन जा रही है। बड़े दिनों के बाद लॉकडाउन के बाद ट्रेन गई, मैं अंदर से छूट गई, बाहर नहीं जा सकी ना। तो ये अभी टाइम हुआ है शाम के 5:15 का, और आज ना बारिश बहुत ज़्यादा हुई, 2:30 के करीब लगी थी बारिश, और आधे पौने घंटे तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई। इतनी हुई ना कि हमारी खिड़कियों के अंदर भी पानी आ गया था। तो फिर ये तो बात सच्ची है कि जो भी बड़े लोग बोलते हैं ना तो वो सही बोलते हैं, उन्होंने कुछ जांच परख के बातें बनाई हैं। वो लोग पूरा मतलब देखते हैं, पूरा ध्यान से सब कुछ ध्यान रखते हैं, फिर देखते हैं कि नहीं, उन्होंने भी देखा होगा कि सारस पक्षी बोल रहा है तो बारिश हुई, तो उन्होंने तभी ये बात उन्होंने बोली है कि सारस पक्षी के बोलने से बारिश होती है। और आज साथ में हमारे लिए खुशी का दिन है क्योंकि आज अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है। तो उस चीज़ की भी आप लोगों को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बधाई। और चलिए, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए राम राम।